अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, उसका नाम है दही फुल्की, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 250 ग्राम्स, यानी कि आधा पाव। 1 टेबल स्पून नमक एंड हाफ टी स्पून सोडा। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, पानी ऐड ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल इतना करना है कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इस तरह का ये दिखना चाहिए। अब इसको गर्म घी या गर्म तेल में लाइट लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल ऐसे। अब फुल्कियों को नॉर्मल पानी में डाल के सोक कर लेंगे। सोक होने के बाद ये अच्छे से फूल जाएंगी और नरम हो जाएंगी। दही मैंने लिया है 1 पाव, यानी कि 500 ग्राम्स। 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, 3 हरी मिर्चें, 3 लहसुन के जवे और हरा धनिया। अब इनको मैं आवन दस्ते में कूट लूँगी। अब इन तीनों चीज़ों के पेस्ट को मैं अपने दही में ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड करूँगी। 1 प्याज, जिसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। अब दही को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब अपनी नरम नरम सी फुल्कियों को अपने किसी भी बाउल या बर्तन में इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब हम अपने मज़ेदार से दही के रायते को अपनी फुल्कियों के ऊपर डालेंगे। अब हमारी है भगार की तैयारी। भगार के लिए हम सबसे पहले लेंगे घी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और यहाँ पे मैंने 3 साबुत लाल मिर्ची ली थी, जिसको मैंने बीच में से आधा कर लिया। आधा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, आधा चम्मच मैंने राई ली है और आधा चम्मच मैंने अजवाइन का लिया है और इनको भगार के घी में ऐड कर दिया। अब हमने अपनी दही फुल्कियों पे लगा दिया भगार का तड़का।